सब्सक्राइब कीजिए जायके के बाहर चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कुकिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायके की बहार में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे अपनी वीडियो में मेथी मटर मलाई। उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है आइए आपको बताते हैं। हमने लिया है यहाँ पर 12 से 15 काजू, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, ये गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून शुगर यानी कि शक्कर, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 प्याली हरी मटर, चुटकी भर हींग, 1 कटोरी फ्रेश ग्रीन, 250 ग्राम मेथी बारीक वाली, इसे साफ करके मैंने बारीक काट लिया है, 3 मीडियम साइज के टमाटर। बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम टमाटरों का ऊपर का ये हिस्सा निकाल देंगे। टमाटर इस तरह काट ले। इस तरह से काट लेंगे। टमाटर हो गया, इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये काजू। इन सबको हमने मिक्सर में पीस लेना है। हम इसका पेस्ट बनाएंगे। मिर्ची को इस तरह साफ कर ले, 2 टुकड़े कर ले ताकि ये मोटी मोटी ना रह जाए। हम इसका पहले पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार है। अब हमने एक पैन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से जब बॉईल हो जाता है तब हम इसमें डालते हैं ये मटर और मेथी। हम इसमें डाल देंगे ये मेथी। मटर इसे एक उबाल आने देंगे। हमारी मेथी और मटर 5 मिनट तक हमें बॉईल करना था। 1/4 कप पानी में हमने इसे 5 मिनट बॉईल कर दिया। देंगे गैस ऑफ कर दें। एक पैन में 2 चम्मच ऑयल गरम करेंगे। पैन हमने पहले ही चढ़ा दिया था, पैन हमारा गरम हो चुका है। इसके बाद हमने ये ऑयल डाला। इसमें डालेंगे हींग, चुटकी भर हींग जो हमने लिया था वो डालेंगे। के बाद डालेंगे जीरा। के बाद डालेंगे हम धनिया पाउडर। के बाद टमाटो काजू और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था अदरक डालकर डाल देंगे और इसे 2 मिनट भून लेंगे। हम इसमें ये रेड चिली पाउडर डालेंगे। गरम मसाला की पाउडर शक्कर नमक सारी चीजों को डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये मलाई। आप अमूल की फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, मैंने घर की मलाई ली हुई है। सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ये मेथी और मटर जो हमने बॉईल करके रखा था, हमने इसे छान लिया था, इसे भी अच्छी तरह मिक्स करें। हम इसमें डालेंगे
थोड़ा सा पानी, तकरीबन एक कटोरी पानी डाल के है, उसके बाद गैस ऑफ करेंगे। हमने इसमें आधा एक कटोरी पानी डाल दिया है, अब 5 मिनट ढककर इसे पकने देंगे, इसके बाद सर्व करेंगे। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, ये बस हमारी मेथी मटर मलाई बिल्कुल तैयार है। सर्विंग बाउल में निकालेंगे। मेथी मटर मलाई बिल्कुल तैयार है, जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।